सिंघाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कीमती लकड़ियों से भरी पिकअप को पकड़, दो पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी किया जब्त। झुंझुनू जिले के सिंघाना क्षेत्र में देर रात को अवैध खनन पर लकड़ियों की तस्करी के खिलाफ वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। रेंजर मुकेश मीणा के नेतृत्व में रात भर देवता तातीजा व सिंघाना क्षेत्र में कार्रवाई चली। टीम ने देवता व तातीजा में प्रतिबंधित पत्थरों से भरी दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। वही वन विभाग की टीम को देखकर एक ट्रैक्टर चालक ने पत्थरों को सड़क पर खाली कर दिया। इसी दौरान लकड़ी तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित लकड़ी रोयडा की लकड़ियों से भरी एक पिकअप को जब्त किया गया। रेंजर मुकेश मीणा ने बताया कि वन विभाग की टीम की लगातार गश्त होने के बावजूद भी कुछ जगह चोरी छिपे अवैध खनन व लकड़ी तस्करी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने विशेष टीम का गठन कर देर रात को क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों पर दबिश दी। दबिश के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध खनन कर पत्थरों से परिवहन करते हुए मिले। मौके पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। वही सिंघाना क्षेत्र में पिकअप के जरिए कीमती प्रतिबंधित लकड़ियों का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसको जब्त कर सिंघाना वन चौकी में खड़ा किया है। काफ़ी दिन से शिकायतें मिल रही थी कि हम लगातार गश्त करने के बावजूद भी कुछ इलाकों में अवैध लकड़ी कटान और ये पत्थर की जो चेचा पत्थर है उसकी अवैध रूप से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। इसके बारे में हमारी टीम को सूचना मिली और रात भर हमने गश्त करके एक गाड़ी लकड़ी की पकड़ी और दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त।